हिंदुस्तान की राजनीति में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की कमी खलेगी। हम उस क्षण को, उस वक्त को कभी नहीं भूल सकते जब समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के लिए और समाजवादी पार्टी को हिंदुस्तान और प्रदेश की राजनीति में बेहतर बनाने के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो भूमिका बनाई, मेहनत किया, संघर्ष किया, आज उस संघर्ष को हम याद करते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुलायम सिंह की कमी खलेगी। हम बलिया की बात करते हैं, उस वक्त की मुलायम सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, नगर विकास मंत्री रहे विक्रमादित्य पांडे। जनवरी माह में जब उनका निधन हुआ, जब इसकी जानकारी मुलायम सिंह यादव को हुई, तो उसे रहा नहीं गया। वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आया और पुलिस लाइन से जापलीनगंज विक्रमादित्य पांडे जी के आवास पे आए। उनकी आंखों में आंसू टपकने लगा। वो इसलिए, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव विक्रमादित्य पांडे से मिलने उनके आवास पे आते थे, लेकिन वो क्षण था कि घर के सामने विक्रमादित्य पांडे के शव रखा हुआ था। मुलायम सिंह यादव पहुँचे और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें कंधा दिया। प्रदेश में वो उस समय मुख्यमंत्री थे और विक्रमादित्य पांडे को कंधा देने के लिए बलिया आए हुए थे। एक क्षण हो गया। इसके पहले की हम बात करें, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, जब भी सम्मान की बात आई, बलिया के सम्मान की बात आई, बलिया के चुनाव की बात आई, तब तक मुलायम सिंह यादव बलिया में दिखे। चंद्रशेखर जी के साथ मुझे उस समय की याद है बातें, जब 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी अपने संसदीय क्षेत्र बलिया से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुँचे थे और एक सभा थी पुलिस लाइन के ग्राउंड में। उस समय मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर जी एक साथ बैठे हुए थे मंच पे। चाहे वो जयप्रकाश नगर की बात हो, या बसंतपुर शहीद स्मारक की बात हो, या चंद्रशेखर जी के गांव इब्राहिम पट्टी की बात हो, चाहे बलिया टीडी कॉलेज की बात हो, चाहे छात्र संघ गठन की बात हो, हर जगह मुलायम सिंह नजर आए। मुलायम सिंह यादव की कमी आज पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन बलिया में खास कमी इसलिए दिख रहा है, जब जब विकास की बात आई, जब जब बलिया के सम्मान की बात आई, तो मुलायम सिंह यादव से सामने उनके बात जो भी सामने गई उन्होंने पूरा किया। 2003 में मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री बने जब उनके कैबिनेट में बलिया में चार चार मिनिस्टर हुए, नारद राय जी, शारदानंद अंचल जी, अंबिका चौधरी, रामगोविंद चौधरी जी। उस समय विकास की बात आई, उस समय बहुत सारे विकास हुए, आज उस हमारे बीच में नहीं है, कमी खल रही है उनकी। मुझे उस क्षण याद है जब 2007 में चंद्रशेखर जी के मरने के बाद, 2007 में जब लोकसभा का उपचुनाव था, उस समय मुलायम सिंह यादव बलिया के एक सभा में बैरिया आए हुए थे। जब उन्होंने भीड़ हेलीकॉप्टर से इन बैरिया के मैदान में जब भीड़ कम देखा तो निराश हो गए। वो जब नीचे उतरे तो स्टेज पे न जाके ग्रीन रूम में पहुंचे और ग्रीन रूम में अंबिका चौधरी जी थे, रामगोविंद चौधरी थे, नारद राय जी थे, मुलायम सिंह यादव थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने चर्चा किया कि भीड़ क्यों कम है सभा में नीरज के, तो वहाँ से एक शब्द आया कि हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती की सरकार थी उस समय, सत्ता के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल आज बलिया में है, पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्री बलिया में है, और बलिया में उस समय विनय शंकर तिवारी उपचुनाव मैदान में थे बहुजन समाज पार्टी से। मुलायम सिंह को बात बहुत अंदर से लगा। जब बैरिया की जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि नीरज मेरा बेटा है,
मुलायम सिंह यादव के लंबे समय तक जीवन बिताने वाले मुलायम सिंह यादव जी जब बैरिया की जनसभा संबोधित करने के बाद लखनऊ गए तो उसके दो दिन बाद एक ऐसा माहौल बना, मुलायम सिंह ने व्यक्तिगत रूप से एक एक कार्यकर्ताओं से टेलीफोनिंग वार्ता किया उन्होंने, और उन्होंने नीरज शेखर के लिए समर्थन मांगा, और यहाँ शिवपाल सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, यशवंत सिंह तमाम लोग यहाँ पहुँच गए, और कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा पूर्व मंत्री नहीं, कोई ऐसा पूर्व विधायक नहीं, कोई पूर्व सांसद नहीं जो मुलायम सिंह एक छोटे आह्वान पर नीरज शेखर के चुनाव में न रहा। उन्होंने अपने साथ के रहे राजनीतिक जीवन में अपने साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले चंद्रशेखर जी के सम्मान में बलिया में जो जिस तरीके से मैदान में रहे, और स्थिति यह बनी कि नीरज शेखर पहली बार बलिया के सांसद बने 2007 में। फिर बात आई 2009 में, फिर मुलायम सिंह यादव ने उस परंपरा को निभाया, फिर 2009 में भी नीरज शेखर यहाँ के सांसद बने। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब जब लोकसभा सीट से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते रहे सचपा से अपने दल से, तब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तब तक चंद्रशेखर जी के सामने अपने उम्मीदवार को कभी नहीं लड़ाया और खुल के समर्थन किया, और वही दिन था कि चंद्रशेखर जी बार बार समाजवादी पार्टी के समर्थन से और सचपा के मिलजुल के यहाँ पे सांसद बनते रहे। तो मुलायम सिंह का लगाव बलिया में बहुत था, इसलिए कि चंद्रशेखर जी इसी धरती के जन्मे थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा, वहीं बलिया के भाव आंखों में आंसू टपक रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ये रही मुलायम सिंह यादव की बलिया से जुड़ी कहानी जो मैंने आपके बीच रखा। आइए हम अब उनकी राजनीतिक सफर की बात करें, उनकी राजनीतिक सफर में क्या क्या रहा, उनके जीवन में क्या क्या करा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई लखनऊ में 1992 में, 4 अक्टूबर 1992 में, जैसा जानकारी मुझे हासिल हुई है, उसके बाद उसके पहले की हम बात करें, मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से राजनीति, सही बात है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का नाम पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में था, वो रक्षा मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, उसके पहले विधायक भी बने, तो मुलायम सिंह यादव के बारे में कितना भी कहा जाए कम शब्द होगा। मैं उस क्षण को याद दिलाना चाहता हूँ जब एक सीमित संसाधनों में, आज तो तमाम नेताओं के पास गाड़ी है, बंगला है, व्यवस्था है, पैसा है, जब राजनीति की बात आती है, लोहिया जी के समय की बात आती है, मुलायम सिंह यादव के समय की बात आती है, तो गाड़ियों की हालत इतनी ख़राब थी कि कब कहाँ बंद हो जाए, कब चक्का पंचर हो जाए, कब धक्का देना पड़े, कब पैदल चलना पड़े, कब बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़े, कब साइकिल से जाना पड़े। उस समय के राजनीति में बहुत फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, सुमो ये सब नहीं था, एक जीप थी, जिस जीप के माध्यम से मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी शुरुआत की। आइए हम बात करते हैं राजनीतिक सफर में कि मुलायम सिंह यादव कब विधायक बने, कब मंत्री बने, कब सीएम बने। 1990 में चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल में वो शामिल हुए, फिर इसके बाद 1989 में पहली बार यूपी के सीएम बने। 1982 और 85 के बीच यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने पद संभाला। 1980 में लोक दल के अध्यक्ष बनाए गए। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1993 और 95 में दूसरी बार यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली, और 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1996 और 98 में भारत के रक्षा मंत्री बने। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़े और जीत हासिल की। पहली सीट थी आजमगढ़ संसदीय सीट, जहां उनका काफ़ी लगा रहा। 2004 में मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 2003 में तीसरी बार वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1999 में दो लोकसभा सीटों से संभल व कन्नौज से चुनाव लड़े और जीते भी।
वो पहली बार जसवंत नगर से विधायक बने थे। तो मुलायम सिंह की राजनीतिक सफर में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बात आई आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की कि आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने जब ये मन बनाया कि मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़ की धरती से हम सांसद के रूप में देखना चाहते थे, हैं कार्यकर्ताओं की आवाज, कार्यकर्ताओं का सम्मान, जब मुलायम सिंह यादव ने सुना देखा उनके उनके मन में रहा कि नहीं हमें आजमगढ़ की जनता का सम्मान करना चाहिए, वो 2014 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते। उस समय मोदी लहर थी और पहली बार 2014 में मोदी सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद बने। मुलायम सिंह जब उस सीट को छोड़ा उन्होंने तो उनके पुत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2019 में वहां से सांसद बने आजमगढ़ संसदीय सीट से। आजमगढ़ पूर्वांचल का कुछ ऐसे जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया, इन जिलों में मुलायम सिंह यादव ने जो सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने नेताओं को दिया, हालांकि उन्होंने प्रदेश में, देश में सबको दिया, लेकिन विशेष तौर पर इस चारों जिले आज भी याद करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में धरती पुत्र हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाले मुलायम सिंह यादव, मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा है, मैं उनके साथ कदम से कदम नहीं तो कह सकता, लेकिन जब जब उनका हेलीकॉप्टर बलिया में उतरा मैं तब तब कैमरा लेकर उनके सामने खड़ा मिला। मैंने न जाने कितने बार उनके सभाओं में उनकी हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, बोलती हुई तस्वीरों को मैंने कैमरे में कैद किया, चाहे पुलिस लाइन का ग्राउंड का वो मैदान रहा हो, चाहे टीडी कॉलेज का मैदान रहा हो, चाहे जापनगंज क्षेत्र में मुलायम सिंह का आगमन रहा हो, चाहे विक्रमादित्य पांडे के गांव में उनका आगमन रहा हो, चाहे वो चंद्रशेखर नगर में रहा हो, चाहे जिले के हर कोने में रहा हो, चारों तरफ मैं मुलायम सिंह यादव जी की नज़र में कैमरा लेके हमेशा खड़ा मिला रहा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ आप जहाँ भी रहें मालिक भगवान प्रभु आपके आत्मा को शांति प्रदान करें।